सरपंच सचिव रोजगार सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार से बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया है और पंचायतों में तालाबंदी से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मुख्यालय पर महिला सभा की दुकानों के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे सरपंच सचिव ने जमकर नारेबाजी की और कलम बंद कर मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सचिव शकील पठान ने बताया कि 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़तालरत हैं। पूर्व में भी ज्ञापन दिया था लेकिन मांगे नहीं मानी, नतीजतन हड़ताल का रुख अख्तियार किया है। शासन हम पर क्षमता से बाहर के काम के लिए दबाव बनाता है, खासकर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों से मानसिक दबाव है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। जो शासन को मतलब प्रशासनिक अधिकारियों को जो ज्ञापन दिया था हमारी 9 सूत्री मांगों के लिए, उसका न्याय उचित हमारा निराकरण नहीं होने से हमने शासन को पत्र लिख के अवगत कराया था कि हम दिनांक 23/1/2023 से अनिश्चित काल के लिए कलम कार्यालय बंद हड़ताल करेंगे। इसमें हम 3 संगठन के लोग यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सरपंच, सचिव और GRS। हमने प्रशासन को अवगत कराया था कि हमको जो काम करने पर ग्रामीण क्षेत्र में जो दिक्कतें, जो परेशानियां आ रही है, उन परेशानियों का अगर हमारा न्याय उचित निराकरण नहीं होता, इसीलिए हम आज यहां 23 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शासन के द्वारा हमारे ऊपर मतलब बिना प्रेशर बनाया जाता है, जो हमारी क्षमता से बाहर के काम है वो काम भी हमारे से कराए जाते हैं। जैसे हमारे ऊपर सीएम हेल्पलाइन में असंतुष्टि के साथ बंद कराने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर किया जाता है, जबकि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करता कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। सीएम हेल्पलाइन में जांच होना चाहिए, जांच में अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो जांच होने में अगर दोषी नहीं पाया जाता है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और उसे फोरक्लोज किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे ऊपर उसको संतुष्टि के साथ बंद कराने का दबाव बनाया जाता है मनरेगा में, और कुछ लोगों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में हमारे साथ ब्लैकमेलिंग की जाती है, अनुचित राशि की मांग की जाती है, तो हम लोग अल्प वेतन में काम करते हैं, हम लोग उनकी जो अनुचित मांग है उसको पूरी नहीं कर पाते। दूसरा मनरेगा का बजट है, जिसमें मनरेगा एक शासन की मांग आधारित योजना है, लेबरों के द्वारा काम मांगने पर ही उनको काम दिया जा सकता है, लेकिन शासन द्वारा लेबर को पूरा करने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है और प्रेशर बनाने में फिर हमारे द्वारा मतलब कई गलतियां होती है और फिर हमारे लोगों पर कार्रवाई की जाती है। दूसरा, क्या नाम है? मेरा नाम शकील पठान है, पंचायत सचिव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।